हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नूतन सुजो मेरे चैनल में करती हूँ आप सभी लोगों को स्वागत। आप लोग कैसे हो जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। हालांकि आप लोग कभी बताते नहीं हो, लेकिन कोई बात नहीं, हर दिन मेरे को बोलने में अच्छा लगता है इसलिए मैं बोलती हूँ। आज मैं पेट में अगर आपके गुड़गुड़ होता है ना, तो पेट का गुड़गुड़ी को ठीक करने के लिए एक वीडियो कर रही हूँ। और ये वीडियो का रिजल्ट कैसा आएगा क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मैं कर रही हूँ, और वो भी एक फ्रेंड का वीडियो देख के मैंने ये नतीजे पे पहुंची हूँ कि मैं ये चीज बनाऊ। तो ये चीज बनने के बाद कैसा होता है, क्या होता है, सही बनता है कि गलत बनता है, वो सारे बातें मैं करूंगी आप लोगों के साथ शेयर। तो वीडियो छोड़ के कहीं मत जाइएगा, ज्यादा लंबा वीडियो तो नहीं करूंगी क्योंकि आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हो। वेरी नाइस, गुड शेयरिंग, ये कृपया कॉमेंट्स में मत करिए, वीडियो रिलेटेड कमेंट करिए पहली बात। और दूसरी बात है, कोई वीडियो देखो या ना देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं अपने हिसाब से वीडियो डालती रहूंगी। ऊपर वाले का जब दया होगा तब मेरा वीडियो वायरल हो जाएगा, होगा तो होगा, नहीं होगा तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। तो फ्रेंड, ये वीडियो किस फ्रेंड को देख के मैं बना रही हूँ वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी, क्योंकि एक स्टोरी है। तो चलिए गैस को पहले ऑन कर लेते। देखिए गैस को भी गुड़गुड़ी हो रहा है, आराम से क्या हो गया, गैस नहीं जल रहा है, ठीक है, और एक बार कोशिश करते हैं। लेकिन बात है कि एक बार एक यूट्यूबर फ्रेंड का कुकिंग देख के, मच्छी का करी देख के मैंने बनाने का घर में कोशिश किया था, और वो फ्रेंड कौन है उनका नाम मैं वीडियो में नहीं बताऊंगी, लेकिन जिनको देख के ये बना रही हूँ सही हुआ गलत हुआ उनका मैं जरूर बताऊंगी। चलिए गैस ठीक हो गया, तो गैस मैंने ऑन कर दिया, दिखा देती हूँ। थोड़ा ये देखिए कढ़ाई में मैंने चढ़ा दिया, और उसके बाद से क्या हुआ, मेरे घर वाले और मेरी मम्मी खास करके बता दिया है, यूट्यूब देख के कोई भी फ्रेंड का खाना, कुकिंग चैनल देख के खाना आप मत बनाया करो, वो खाना खाने लायक नहीं होता है, गटर में जाने के लायक होता है। तो पता नहीं ये कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा ये तो मैं आप लोगों के साथ कर दूंगी शेयर। तो चलिए ये बनाने के लिए मैंने क्या क्या लिया है और फ्रेंड्स के नाम क्या है एंड में मैं जरूर बताऊंगी, तो प्लीज वीडियो छोड़ के मत जाइएगा। चलिए देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स। पहले आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने ले लिया एक कटोरी अजवाइन, मैं इसका हिसाब नहीं बता सकती हूँ, लगभग 100 ग्राम जितना अजवाइन होगा यहाँ पे। और यहाँ पे अदरक को मैंने कुरेद के रख लिया है, थोड़ा सा ही अदरक, एक इंच से भी थोड़ा कम था, थोड़ा करके लिया, ज़्यादा नहीं। और यह है आधा कट के डी शेडेड लेमन, और यह है रॉक सॉल्ट। और इसके सहारे मैं क्या बनाऊंगी वो तो आप लोगों को मालूम पड़ गया। तो मैंने कढ़ाई तो चढ़ा लिया था, कढ़ाई तो गर्म हो गया है, और ये कैसे मैं बना रही हूँ इसका तो ट्यूटोरियल नहीं दूंगी, लेकिन ये परफेक्ट बना कि नहीं बना वो मैं आप लोगों के साथ करूँगी शेयर। तो फ्रेंड ने, जो फ्रेंड को देख के मैंने ये बनाया, तो उन्होंने जैसे जैसे बनाया था जितना दिमाग में आया उस हिसाब से मैंने किया है, बाकी टेस्ट करने के बाद ही बताऊंगी खाने में कैसा हुआ है। तो ये रेसिपी तो मैं नहीं शेयर कर रही हूँ, अगर रेसिपी आप लोगों को 100% वॉच करनी है, समझनी है, देखनी है, तो वो फ्रेंड के घर आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत अच्छे से समझा के ये किया है, वीडियो को किया है। तो मैं क्या करूँगी, डिस्क्रिप्शन में तो उनका लिंक पक्का डाल दूँगी, अगर आप लोग उनके फ्रेंड हो तो अच्छी बात है, अगर फ्रेंड नहीं हो तो प्लीज़ उनके साथ भी आप लोग जुड़ जाइएगा, आई थिंक आप लोगों को अच्छा अच्छा खाना बनाने का मन होगा। आज मैं इनका पाचक बन के तैयार हो गया, अभी तो मैं इसको टेस्ट करूँगी, फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी परफेक्ट बना है कि नहीं। इतना देर तक देखने के लिए शुक्रिया, तो चलिए देख लेते हैं रिजल्ट। तो हाँ जी, जो मैं अजवाइन के साथ बनाई वो एकदम परफेक्ट बना है, और खाने में एकदम, हम दुकान से जो खरीद के लाते हैं एकदम हूबहू बिल्कुल वैसा ही बना है। तो थैंक यू सुचित्रा। और हाँ, एंड में बताने वाली थी मैं वो फ्रेंड का नाम, तो वो फ्रेंड का नाम है सुचित्रा और उनका चैनल का नाम है डिलीशियस फूड बाय सुचित्रा। क्या मैंने सही बोला, पता नहीं, मैं चैनल का नाम याद नहीं रख पाती हूँ। एनीवे, मैं डिस्क्रिप्शन में उनका जो मैंने बनाई अभी, पाचक बोलते हैं उसको हम लोग बांग्ला में, मुखशुद्धि बोलते हैं, तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो जो लोग अभी तक सुचित्रा के साथ नहीं जुड़े हो प्लीज उनके साथ भी जुड़ जाइए, बहुत प्यारी प्यारी, बहुत सुंदर सुंदर खाने का रेसिपी वो अपने हाथों से बनाती है,
हेल्दी। तो चलिए आप लोग मेरे साथ भी जैसे बने हुए हो उनके साथ भी बन जाइए, जुड़ जाइए, ठीक है ना। आज का वीडियो मैं यहीं पर करती हूँ खत्म। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट्स करके बताइएगा और आज के लिए दीजिए नूतन सूर्यो को इजाजत। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून विद अनदर वीडियो। अच्छा खाइए, स्वस्थ खाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।